हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब में आपका स्वागत है और हेल्थी लाइफ की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। तो मैं बात कर रही हूँ पितृपक्ष की। इस वक्त 16 श्राद्ध चल रहे हैं, तो इसमें पितरों की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है, जो हर कोई करना चाहता है, क्योंकि ये 16 श्राद्ध ऐसे होते हैं, अगर इसमें पितरों की पूजा ना की जाए तो पितर हमारे नाराज़ होते हैं, जिससे कि हमारी धन सम्पदा की कमी होती है और हमारा जो वंश बढ़ोतरी रुक जाती है। तो इसलिए 16 श्राद्ध में पितरों को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनको करने से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे वंश की बढ़ोतरी करते हैं। तो 16 श्राद्ध में पितरों को सुबह उठ के सबसे पहले तो जल देना चाहिए और कुछ उपाय हैं वो ज़रूर करना चाहिए, जैसे कि 16 श्राद्ध में शिवलिंग पर एक कटोरी में दूध लेकर कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। सो वैसे तो सभी लोग दूध में जल में दूध डालकर शिवलिंग को अर्पित करते हैं, लेकिन 16 श्राद्ध के दिनों में दूध अलग और जल अलग, इन दोनों को एक साथ चढ़ाने से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो ये शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ दूध है सीधे हमारे पितरों के पास पहुंचता है, तो इससे हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। तो 16 श्राद्ध के दिनों में 16 दिन तक शिवलिंग पर एक कटोरी में दूध देकर जल अर्पित करना चाहिए। दूध अलग करें और जल अलग, दोनों को मिला के नहीं करना चाहिए। और मेरा दूसरा उपाय यह है कि एक तांबे के लोटे में जल के पात्र में जल भर के उसमें 5 पीपल के पत्ते डालने हैं। कितने डालने? 5 पीपल के पत्ते और उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़े से काले तिल, इन तीनों को डालकर पीपल के पत्ते को कलश के अंदर डालकर हम अगर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे भी हमारे पितर प्रसन्न होते हैं, तो और हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे वंश की बढ़ोतरी करते हैं और हमारे धन संपदा आनी शुरू हो जाती है। अगर जैसे किसी को पितृदोष लगा हुआ है, पितृदोष, तो उसको अभी पितृदोष समाप्त हो जाता है। जो आप जल चढ़ाओगे शिवलिंग पर पीपल के 5 पत्ते डालकर, जब ये पूरा जल चढ़ जाए तो ये पीपल के 5 पत्ते उठाकर अपने पर छिड़क लें, तो ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं और आपकी हर कामना पूरी होती है। पितृपक्ष में 16 श्राद्ध के